Hello everyone, today in this video we are going to learn about the properties of the CRT. Okay, so in the previous video we have already covered what do you mean by CRT and how it's actually work, right? So those people who have not seen that video, I request you please watch that video first and after that this one. Okay, and the link of that video has been given in the description below. Okay, so no need to worry. So let's start today's topic, that is properties of CRT. Okay, so the first properties of the CRT is phosphor persistence. Okay, so what do you mean by persistence? Persistence means existence. Okay, so kitna period tak, yani kitna time period tak हमारे जो फास्फर है वो स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में ग्लो होके एग्जिस्ट कर सकता है, उसी चीज को बोला जाता है फास्फर परसिस्टेंस. ओके, परसिस्टेंस इज द मेजर ऑफ टाइम टेकन बाय द एमिटेड लाइट फ्रॉम स्क्रीन टू डिक्रीज ऑफ 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी. ओके, इट मींस जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे सीआरटी, राइट? So it, this is the diagram of the CRT. Okay, and these are the three electron guns, right? And ye electron guns se red, blue and green color ke electron beam kya hota hai? Release hoga, and ye jaake hamare jo CRT ke jo screen hai uske pichle hisse mein jo phosphorus ka coated layer hai uske saath kya hoga? Heat hoga, right? And electron बीम एंड फास्फर क्या होगा, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद हमारे जो फास्फर पार्टिकल है वो क्या होगा, ग्लो होना स्टार्ट करेगा, जिसके हेल्प से हम हमारे स्क्रीन में इमेज को देख सकते हैं, राइट? तो वो जो फास्फर का जो पार्टिकल है जो कि ग्लो हो रहा है वो कितना टाइम पीरियड तक ग्लोइंग पोजिशन में रह सकता है, उसी को बोलते हैं हम फास्फर परसिस्टेंस. ओके, और जब हम पहली बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम हिट करेंगे फास्फोरस लेयर के ऊपर, तब क्या होगा, जो वो फास्फोरस पार्टिकल है वो हाई इंटेंसिटी से ग्लो होगा. ओके, एंड धीरे धीरे उसका जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, एंड जब वो उसका इंटेंसिटी 1/10 तक ना आ जाए तब तक हम दोबारा से इलेक्ट्रॉन बीम को रिलीज नहीं करेंगे. ओके, और जब उसका इंटेंसिटी 1/10 आ जाएगा तब फिर से हम इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेंगे, फास्फर के ऊपर दोबारा से हिट करेंगे. ओके, ताकि वो जो फास्फर पार्टिकल है वो फिर से ग्लो होना स्टार्ट करे. ओके, एंड जिसके हेल्प से हमको हमारे जो स्क्रीन में जो इमेज था वो कॉन्स्टेंटली हमको देखने के लिए मिल सके. ओके, उसी को बोलते हैं हम फास्फर परसिस्टेंस. ऑलराइट, ये पॉइंट समझ में आ गया. परसिस्टेंस इज द मेजर ऑफ टाइम टेकन बाय एमिटेड लाइट फ्रॉम स्क्रीन टू डिक्रीज ऑफ 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी. ओके, एंड द अनदर थिंग इज हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में जो फास्फर पार्टिकल है वो अगर ज्यादा देर तक ग्लोइंग कंडीशन में रह सकता है तो हमको ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसको बार बार हमको वही फास्फर पार्टिकल के ऊपर हीट करना नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि वो ज्यादा देर तक ग्लोइंग कंडीशन में रह सकता है तो हमको जो इमेज है वो हमको प्रॉपरली दिख सकता है. बट अगर ये जो फास्फर पार्टिकल है वो ज्यादा देर तक ग्लोइंग कंडीशन में नहीं रह सकता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बीम को अगेन एंड अगेन हीट करना पड़ेगा उसी फास्फर पार्टिकल के ऊपर, ताकि वही उस फास्फर पार्टिकल ऑलवेज ग्लोइंग कंडीशन में रहे और हमको इमेज प्रॉपरली दिखाई दे सके, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लो परसिस्टेंस रिक्वायर्ड हाई रिफ्रेश रेट, बिकॉज इन लो परसिस्टेंस लाइट कैन नॉट सस्टेन फॉर सो लॉन्ग टाइम, सो वी नीड रिफ्रेशमेंट ऑफ लाइट एज सून एज पॉसिबल. यानी कि जो फास्फर पार्टिकल है वो अगर ज्यादा देर तक ग्लो नहीं कर सकता है तो हमको बार बार इलेक्ट्रॉन बीम को उसी फास्फर पार्टिकल के ऊपर हीट करना पड़ेगा, ताकि वो जो फास्फर पार्टिकल है वो ग्लोइंग कंडीशन में रह सके और हमको प्रॉपर इमेज दिखाई दे सके स्क्रीन में, राइट?
लो परसिस्टेंस रिक्वायर हाई रिफ्रेश रेट, यानी कि अगर जो हमारे फॉस्फर का पार्टिकल है वो कम टाइम पीरियड के लिए ग्लो होगा तो हमको ज्यादा बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो उसी पार्टिकल के ऊपर हीट होगा और हमारे जो इमेज है वो हमको ठीक से दिखाई दे सकेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड हाई परसिस्टेंस रिक्वायर्ड लो रिफ्रेश रेट। ओके, यानी कि जो हमारे फॉस्फर पार्टिकल है वो ज्यादा देर तक ग्लोइंग कंडीशन में अगर रह सकता है तो हमको कम टाइम रिफ्रेश करना पड़ेगा, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट हाई परसिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टैटिक पिक्चर विथ हाई कॉम्प्लेक्सिटी। इट मींस अगर हम किसी पिक्चर को स्टैटिक रखना चाहते हैं तो उसमें परसिस्टेंस पावर जो है वो हाई होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कभी कोई शॉपिंग मॉल गए होंगे जहां पे एक बाहर में एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा होता है जिसमें एक एक पिक्चर होता है जो कि कंस्टेंटली हमको विजिबल होता है, राइट, उसका कोई चेंजेस नहीं होता है, तो उस टाइप का पिक्चर को बोला जाता है स्टैटिक पिक्चर। ओके, एंड उसी स्टैटिक पिक्चर में हाई परसिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। ओके, देन द सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सीआरटी इज रिफ्रेश रेट। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रेश रेट? रिफ्रेश रेट इज द नंबर ऑफ टाइम पर सेकेंड द इमेज इज रीड्रॉन ऑन द स्क्रीन। यानी कि जो हमारे स्क्रीन है कंप्यूटर के स्क्रीन, इस कंप्यूटर के स्क्रीन में ये जो पिक्चर है कितने बार रीड्रॉ होता है। रीड्रॉ कैसे होता है? हम अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रॉन बीम को फॉस्फर पार्टिकल के ऊपर हिट करेंगे तो जो इमेज है वो अगेन एंड अगेन ड्रॉ होगा, राइट। तो उसी चीज को बोला जाता है रिफ्रेश रेट। एक सेकेंड में कितने बार हमारे पिक्चर जो है वो रीड्रॉ होता है, उसी चीज को बोला जाता है रिफ्रेश रेट। ओके, एंड द थर्ड वन इज क्रिटिकल फ्यूजन फ्रीक्वेंसी। ओके, सो क्रिटिकल फ्यूजन फ्रीक्वेंसी इज द लिमिट ऑफ द रिफ्रेश रेट अबव व्हिच द पिक्चर बिकम फिक्स्ड। ओके, इट मींस क्रिटिकल फ्यूजन फ्रीक्वेंसी इज ए लिमिट ऑफ द रिफ्रेश रेट। ये एक लिमिट है रिफ्रेश रेट के, जिसके अबव अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो पिक्चर है वो क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंटली वो पिक्चर हमको दिखाई देगा स्क्रीन पे। ओके, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल फ्यूजन फ्रीक्वेंसी। सो अगर हमारे परसिस्टेंस पावर ऑफ द फॉस्फर पार्टिकल इज हाई, देन लो क्रिटिकल फ्यूजन फ्रीक्वेंसी विल बी रिक्वायर। ऑलराइट, कितना नंबर ऑफ लाइन स्कैन होता है एक सेकेंड में? ओके, यानी कि एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ लाइंस सीआरटी के हेल्प से स्कैन होता है, उसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्कैन रेट। देखो ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, ये कंप्यूटर स्क्रीन में ये बहुत सारे क्या है, पिक्सल्स हैं। ओके, और ये पिक्सल सभी को सीआरटी क्या करेगा, स्कैन करेगा लाइन वाइज। ओके, ऐसे लाइन वाइज लेफ्ट टू राइट, देन फिर से लेफ्ट टू राइट, देन फिर से लेफ्ट टू राइट, ऐसे ऐसे एक सेकेंड में कितना लाइन स्कैन कर सकता है, उसी चीज को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्कैन रेट। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल स्कैन रेट इक्वल टू रिफ्रेश रेट इनटू नंबर ऑफ स्कैन लाइन। रिफ्रेश रेट क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ टाइम पर सेकेंड द इमेज इज रीड्रॉन ऑन द स्क्रीन, उसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट इनटू द नंबर ऑफ स्कैन लाइन। एक सेकेंड में हमारे सीआरटी कितना नंबर ऑफ लाइन स्कैन कर सकता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलता है, हॉरिजॉन्टल स्कैन रेट। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिजोल्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज द रिजोल्यूशन। ओके, इट मीन्स हमारे जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है वो बहुत सारे पिक्सल्स को लेके बनी होती है, राइट, तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में कितना नंबर ऑफ पिक्सल्स प्रेजेंट है उसी को देख के हम बोल सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का रिजोल्यूशन हाई है या फिर लो है। जैसे कि अगर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन का रिजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ आवर कंप्यूटर स्क्रीन इज 720x1280 पिक्सल्स, देन हम उसको बोलेंगे एच डी, एंड इफ इट इज 1080x1920
pixels, then we will say that our computer screen is full HD. Okay, and the resolutions depend on these factors. The first one is type of phosphorus. जो हमारे phosphorus होता है, वो बहुत type का होते हैं. तो जो phosphor है, वो कौन से type का है, उसके ऊपर भी हमारा resolution depend करता है. Then intensity of the displayed, that is density of the picture. हमारे जो picture है, वो उसका density, यानी कि कितना उसका size है, कितना MB का है, वो उसके ऊपर भी depend करता है. Then size of the video memory. जो हमारे हम जो वीडियो को प्ले कर रहे हैं उसका साइज क्या है उसके ऊपर भी रिजोल्यूशन डिपेंड करता है. देन द लास्ट वन इज फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम. इन चारों के ऊपर हमारे जो रिजोल्यूशन है वो डिपेंड करता है. ओके, देन द लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द सीआरटी इज इलेक्ट्रिक गन. ओके, सो इलेक्ट्रिक गन इज अ फिलामेंट व्हिच रिलीज द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज हीटेड. ओके, यानी कि ये है हमारे सीआरटी, राइट. तो सीआरटी में ये यहाँ पे हमारे थ्री इलेक्ट्रॉन गन लगे होते हैं, दैट इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर के. ओके, अगर इसको हम जूम करके देखेंगे तो ये है हमारे वो तीन इलेक्ट्रॉन गन. ओके, और ये इलेक्ट्रॉन गन्स में क्या होता है, इसके बीच में एक एक फिलामेंट लगे होते हैं. ओके, और जब भी वो फिलामेंट हीट होगा और तब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट करेंगे. ओके, और एक स्ट्रीम में वो सब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाके हमारे फॉस्फर कोटेड स्क्रीन के साथ हीट करेगा. और फॉस्फरस कोटेड स्क्रीन में हीट होने के बाद वो क्या करेगा, फॉस्फर के साथ ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगा, रिएक्शन करेगा. और रिएक्शन करने के बाद जो फॉस्फरस है वो क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट करेगा. और वो जब ग्लो होगा हमको स्क्रीन में इमेज दिखाई देगा. ओके, सो दीज आर द सिक्स पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीआरटी. ओके, सो आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल दिस सिक्स पॉइंट्स. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू, बाय बाय.